तो क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि जो मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं 500 वाट के, 750 वाट के, 900 वाट के और 1200 वाट के, तो जो इनमें वाट यानी कि इसके पावर है, इसके बढ़ने से क्या बढ़ता है? क्या इसकी स्पीड बढ़ जाती है? क्या इसकी ताकत बढ़ जाती है? क्या इसके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है? आखिरकार बढ़ता क्या है? अगर बढ़ता है तो क्या हम उस चीज़ को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? ऐसा सवाल मेरे मन में आया है। तो हे दोस्तों, आप लोग दिखाए वी फोर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि मिक्सी में वाट बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है, मिक्सी के परफॉर्मेंस में किस प्रकार से फर्क पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 500 वाट की ये मिक्सर ग्राइंडर है, ये 900 वाट की है और ये 1200 वाट की है। तो 500 वाट वाली में ऐसा क्या नहीं है जो कि 900 वाट वाली में है, और 900 वाट वाली 500 वाट वाली से किस प्रकार से बेटर है? तो मार्केट में जो भी 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर होती हैं वो 2000 रुपए के करीब आती हैं। यहाँ पे मेरे पास इस टाइम पे एवरग्रीन की है। वैसे मेरे पास 750 वाट की कोई मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पे नहीं है, लेकिन 900 वाट की सुजाता है। इसकी कीमत 4500 रुपए से 5500 के बीच में होती है। और यहाँ पे जो मेरे पास 1200 वाट की मिक्सर ग्राइंडर है वो ऑर्पेक की है, और ये 3200 से 3500 रुपए के बीच में मिल जाती है। और ये बहुत ही पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है, और इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये मिक्सर ग्राइंडर का बाप है। मुझे इसमें एक बात यह अच्छी लगी कि जिस रेंज में ये मिक्सर ग्राइंडर आती है उस रेंज में दूसरी कंपनी की केवल 750 वाट की मिक्सर ग्राइंडर्स आती है, और इसमें 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है, जबकि बाकियों में शायद 1 ही साल की होती है। तो चलिए आते हैं अपने मेन वीडियो के पर्पस में, जो कि है जानना कि वाट बढ़ने से प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके पता करने की कोशिश करेंगे। तो भाई सबसे पहले आरपीएम का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि एक मिक्सी की मोटर 1 मिनट में कितनी बार घूमती है। लेकिन किसी मिक्सी का आरपीएम ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई मिक्सी हमारी बहुत अच्छी है, मिक्सी बहुत ही जल्दी हमारा काम कर देगी। भाई आरपीएम तो ड्रोन मोटर का भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या ड्रोन मोटर से हम लोग मसाले की पिसाई कर सकते हैं? नहीं ना, पावर भी चाहिए। पावर भी ज्यादा हो और आरपीएम भी ज्यादा हो तब हमारा काम मक्खन तरीके कम समय में हो सकता है। तो आरपीएम चेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक जबरदस्त डिवाइस है, जो कि है ये कैकोमीटर। ये देखो, इसकी मदद से हम लोग मिक्सी का आरपीएम बड़े ही एक्यूरेटली नाप सकते हैं, और काफ़ी डेंजरस डिवाइस भी होता है, ये आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे एक स्ट्रिप मिलती है, ये केप जैसी, इसे हमें लगाना होगा मिक्सी के उस वाले पार्ट में जो कि लगातार घूमता है। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा है जहाँ पे मैं आरपीएम की रीडिंग नोट करूँगा 500, 900, 1200 वाट की मिक्सी की स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 में। तो देखो, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये लेजर लाइट स्टिकर पे पड़ेगी तभी रीडिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी मैं स्टिकर पे डालता हूँ, अब देखो अब रीडिंग आ गई है। तो ये रही सारी की सारी रीडिंग्स अलग अलग स्पेस सेकंड में तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स की। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भाई ऑर्पेट में 26,000 आरपीएम लिखा रहा, लेकिन यहाँ पे 21,600 ही आया। तो जब मशीन की टेस्टिंग हुई होगी तो भाई वो आइडियल कंडीशन होगी, जैसे कि 230 वोल्ट लिखा है, और आरपीएम की वैल्यू 15% कम या ज़्यादा भी हो सकती है नो लोड पे। वैसे यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि मेड इन इंडिया है, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। और वैसे भी यहाँ पे 230 वोल्ट की लाइट आ ही नहीं रही है, यहाँ पे 214-215 ही आ रहा है, तो इस वजह से आरपीएम कम है। तो भाई आईपीएम का तो कंपैरिजन हो गया, रीडिंग हमने निकाल, लेकिन क्या अभी तक हमें मालूम चला कि कौन से मिक्सर वाकई में सबसे ज़्यादा पावरफुल है? कैसे मालूम चलेगा? और कैसे मालूम चलेगा कि भाई पावर बढ़ने पर क्या फर्क पड़ रहा है? 500, 900, 1200 20 सेकंड का समय लेंगे और सेम क्वांटिटी में सेम चीज़ को तीनों मिक्सी में पीसेंगे, और फिर देखेंगे कि 20 सेकंड के समय में उस चीज़ को सबसे ज़्यादा बारीक किस मिक्सी ने किया। तो अभी मालूम चल सकता है कि कौन है भाई मिक्सर का बाप, कौन है कौन है? अगर बाप मालूम चलेगा तो क्या पता उसकी माता भी मालूम चल जाए और उनके बच्चे भी मालूम चल जाए। हाँ, एक बाप होगा, एक माता होगा, एक बच्चे होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों कटोरियों में सेम क्वान्टिटी में चावल है, कटोरी के वजन को मिला के। तो इसमें है 300 ग्राम, इसमें है 300 ग्राम और इसमें भी है 300 ही ग्राम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है।
अगर मिक्सी वाइज देखा जाए तो कंपैरिजन फेयर हो सकता है, लेकिन अगर पावर वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा कंपैरिजन अनफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग जार हैं अलग अलग मिक्सी के, उनके ब्लेड भी हल्के अलग अलग हैं, तो बाय चांस किसी के ब्लेड ज़्यादा शार्प है तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो यहाँ पे तो कंपैरिजन अनफेयर हो गया। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ 500 वाट और 1200 वाट की मिक्सी में सिर्फ एक ही जार यूज़ करूँगा, ये वाला, इस जार को हटा दूंगा। अब सुजाता में तो प्रॉब्लम आएगी, सुजाता में ये जार लग नहीं पाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा कंपैरिजन फेयर हो जाएगा 500 वाट और 1200 वाट की मिक्सी के बीच में इस जार की वजह से। अब आपको समझ में आ गया ना। और हाँ, ये टेस्टिंग मैं तीनों मिक्सियों की 30 स्पीड पे करने वाला हूँ, ठीक है, फुल स्पीड पे ही 20 सेकंड मिक्सी चलेगी। चलो फटाक से शुरू करते हैं। भाई एवर रेडी 500 वाट वाली ने देखो 20 सेकंड में क्या किया है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि चावल यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं, यानी कि ये बारीक नहीं कर पाया, तो 20 सेकंड में एवर रेडी ने कुछ ऐसा हाल किया है चावल का। भाई इसने तो सच में 20 सेकंड में काफ़ी कमाल किया है, आपको इसमें चावल के दाने तो बिल्कुल नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको कटोरी में इस कटोरी में ना के दिखाता हूँ। ये देखो आपको बिल्कुल ये पाउडर तरीके का दिख रहा है, अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अलग रिजल्ट देखने को मिले हमें। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि आप लोग अपनी आंखों से खुद से देख सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम जार में पीसे गए हैं इसमें, लेकिन मिक्सी अलग अलग रही है, एवरग्रीन और ऑर्पेक्ट, और भाई डिफरेंस देखो, आपको साफ साफ अपनी आंखों से मालूम चल रहा है 500 वाट की एवरग्रीन ने पीस ही नहीं पाया चावल को, देखो अभी भी चावल के बड़े बड़े दाने हैं, और ऑर्पेक्ट 1200 वाट आपको साफ साफ अंतर दिख रहा है। और ये देखो सुजाता, इसने भी काफ़ी कमाल किया है, लेकिन ये अभी इतना बारीक नहीं हुआ है, और पेट में सच में कुछ ज़्यादा ही बारीक किया सेम समय में। भाई अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, मैंने चलनी से चाल दिया और कितना आटा मिला किस मिक्सी से आप लोग खुद देख लो, इतना मिला 500 वाट से और इतना मिला 1200 वाट से और इतना मिला 900 वाट से, ये सबसे ज़्यादा मिला, मैं आपको वजन से भी दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कटोरी या फिर कटोरा सहित 74 ग्राम आया 500 वाट की मिक्सर में, 1200 वाट के में आया 227 ग्राम और 900 वाट में आया 195 ग्राम, सबसे ज़्यादा चावल का आटा मिला हमें 1200 वाट की मिक्सर ग्राइंडर से, वो भी केवल 20 सेकंड में। और ये वो अवशेष जो कि नहीं पिस पाए, 500 वाट, 1200 वाट और 900 वाट, साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है आंखों से भी। दोस्तों मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिल गया कि वाट बढ़ने पर क्या फर्क पड़ता है, साथ ही ये भी मालूम चल गया मुझे कि कौन बाप है कौन माता है और कौन बच्चा है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि कौन बाप है कौन माता है कौन बच्चा है, वैसे बाप तो बाप ही होता है। तो मैंने तीनों मिक्सर ग्राइंडर्स के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो अगर आपको वीडियो इंस्पायरमेंट लगा भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।